जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ट्रेडिंग पे एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा FNO से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने अपना FNO अकाउंट ओपन किया है और इसमें मैंने पैसा भी ऐड कर लिया है 60 रुपीज़ ऐड फंड में जाकर। और अब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप ट्रेडिंग कैसे करिएगा। इस पर बहुत सारे वीडियो, इस पर क्लोजिंग का भी वीडियो मैंने दे दिया है और रेफरल प्रोग्राम के बारे में फुल वीडियो दे दिया है और पेमेंट प्रूफ भी दिखा दिया है। 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप न्यू हैं तो जाकर पहले उसे वॉच कर लीजिए कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, और नहीं तो आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मैं न्यू यूजर्स को बता दूं जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसमें आपको किसी को रेफ़र करते हो तो आपको तो 200 मिलेगा और एंड देखिए यहाँ पे, और आपके लिंक से जो डाउनलोड करेगा उसको 100 रुपीज़ मिलेगा और उसी टाइम मिलता है जब वो अपना ट्रेड एक कम्प्लीट कर ले। ट्रेड कंप्लीट नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग लाइव करके दिखाऊंगा। देखिए, आपको फंड ऐड कर लेना है गूगल पे या किसी से ही फंड ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जो बैंक अकाउंट आप दिए उसी से ऐड होगा, थर्ड पार्टी से भी ऐड हो जाएगा। मतलब मैं इसमें ऐड फंड करूँ तो अकाउंट दूसरे के नाम से है लेकिन मेरे गूगल पे से भी ऐड हो जाएगा। आप कर सकते हो, ऐड फंड में जाकर फंड ऐड कर लो और उसके बाद आपको USDT INR पेयर चूज कर लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर चूज किया, और नहीं है तो यहाँ वाइट लिस्ट दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे करेंसी में चले जाना है उसके बाद, और यहाँ पे आपको USDT वाला दिख जाएगा और इसे 50 रुपीज़ वाला मिनिमम इन्वेस्ट 50 वाला ऐड कर लेना है। ये फ्यूचर वाला मत करिएगा क्योंकि इसमें देखिए फ्यूचर वाले में 100 से स्टार्ट होता है, तो फ्यूचर वाला ऐड नहीं करना है, आपको ऑप्शन वाला यहाँ पर ऐड करना है जिसमें आपको 50 का मिल जाएगा। तो मेरे पहले से ऐड है तो मैं चलता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको अब क्या करना है, ये प्राइस अप डाउन कर रहा है तो इसमें आपको ये मार्क्स हो रहा है, यहाँ से आपको चूज करना है कि आपको क्या लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वैसे ही चूज करना है। तो मैं आपका यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और आपका मैंने चूज कर लिया और 50 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट किया। और देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाते हैं, एक तो फास्ट जिसमें आपका मनी मतलब फास्ट ग्रो होगा और एक उससे थोड़ा कम, तो आपको नीचे वाला ही रहने देना है क्योंकि हम लोगों को केवल ट्रेड से करना है, इसमें तो पैसा अर्न करना नहीं है, रेफरल बेनिफिट से मतलब हम लोगों को। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वही चूज रहने दीजिए और कंटिन्यू आपको करना है। देखिए कंटिन्यू करिएगा तो इस तरह आप ये ब्रैकेट में चला जाएगा, तो इस ब्रैकेट वाले पे आपको क्लिक करना है देखिए, और उसके बाद प्लेस ट्रेड पे आपको क्लिक कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। देखिए सबमिट हो गया और यहाँ पर ओके कर देना है। देखिए ये अभी मेरा 5 रुपीज़ लॉस दिखा रहा है और मैंने 2020 का लगाया था, देखिए अभी 5 रुपीज़ लॉस है। अब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं इसे स्टॉप ट्रेड करूँगा तो अभी मेरा ट्रेड स्टॉप हो जाएगा और मेरा एक ट्रेड काउंट भी हो जाएगा, यानी मैं रेफरल बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़े टाइम वेट करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मुझे 2.5 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है 5 रुपीज़ का, तो मैं स्टॉप ट्रेड कर देता हूँ और कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। और ये देखिए मैंने 5 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है और मेरा ट्रेड भी काउंट हो गया, यानी मैं रेफरल बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो गया। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रिस्क वाला है ये 2020 का रखना है, उससे आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 50 रुपीज़ का ट्रेड करोगे तो 10 रुपीज़ लॉस जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको ट्रेड से निकाल देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसी टाइम स्टॉप कर दीजिएगा, आप 5 रुपीज़ लॉस लेकर ही निकल जाइएगा, आपको तो केवल ट्रेड एक करने से मतलब है। और आपको 45 जो बच जाएगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और नेक्स्ट डे जो आपका 100 रुपीज़ के लिए एलिजिबल है वो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट डे 9 AM में सुबह में, यानी मैंने अभी इस अकाउंट से ट्रेड प्लेस किया और 100 रुपीज़ के लिए एलिजिबल हो गया, तो ये मेरा जो 100 रुपीज़ है वो कल 9 बजे मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा और उससे मैं विड्रॉल लूँगा तो कल शाम तक 11 बजे से पहले आ जाता है। तो ओके, थैंक दोस्तों, यही छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और जो भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, पहले तो आपको USDT पेयर में चूज करना है और ऑप्शन वाला चूज करना है जिसमें आपको 50 रुपीज़ का मिनिमम ट्रेड होता है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन एक चूज कर लेना है जैसा कि मैंने बताया, आप डायरेक्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से डायरेक्शन चूज कर लेना कि आप लाना चाहते हैं या डाउन, कोई चूज कर लीजिए। और उसके बाद आपको एक ब्रैकेट्स होगा, ब्रैकेट पर क्लिक करके प्लेस ट्रेड कर देना है और उसके बाद स्टॉप जैसे ही करिएगा आपका ट्रेड काउंट हो जाएगा और जो बैलेंस होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, थैंक्स दोस्तों फिर से। और जिनका भी FNO में अकाउंट नहीं है और इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मिल जाएगा, एंड आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो।